नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है किसी स्पेशल जगह का, यानी कि सिलेक्टेड एरिया का, या फिर आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किस प्रकार से अपने कंप्यूटर के अंदर सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप शॉर्ट की का भी उपयोग कर सकते हो और इसके साथ ही आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक बिल्कुल फ्री में टूल दिया जाता है जो आपकी विंडो 7, 11 और 10 के साथ बिल्कुल फ्री आता है। आप उस फ्री टूल का उपयोग करके भी आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको किसी सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मान के चलो मेरे को यहाँ पर इस गूगल का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मेरे को अपने कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसमें आपको एक साथ 3 बटन प्रेस करने हैं, एक तो विंडो, फिर शिफ्ट, फिर एस। ठीक है दोस्तों, जैसे ये आप इसको तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पर देखिए ये बार सा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पहले पे सिलेक्ट करना है और इस पे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपने माउस का राइट की है जो राइट बटन है उसको दबा के रखना है और उसको यहाँ से यहाँ तक खींच लेना है। जैसे दोस्तों मैंने खींचा है, अब आपको अपने माउस की राइट की को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही छोड़ोगे तो आपका स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये आपको स्क्रीनशॉट कहाँ पर मिलेंगे, आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए अब दूसरे जो शॉर्टकट है उस शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको प्रेस करना है, जिसके लिए मान के चलो आपको पूरे एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है जितना भी ये आपकी डिस्प्ले है, तो इसके लिए आपको विंडो बटन और जी बटन को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो आपके सामने देखिए ये बार ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा है कैमरे का। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो कैमरे का बटन है आप उस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर विंडो प्लस एल्ट प्लस जो प्रिंट स्क्रीन वाला बटन है आप उसको प्रेस कर सकते हो, पर ये इतना लंबा आपको याद नहीं रहेगा। मैं आपको जो शॉर्टकट बताया है स्क्रीनशॉट का, देखिए विंडो बटन और जी बटन को एक साथ दबाना है और इस कैमरे वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे कैमरे वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो डिस्प्ले है उसका पूरा स्क्रीनशॉट लिया गया है। अब हम बात करते हैं देखिए तीसरा तरीका है दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक टूल दिया जाता है आपकी विंडो के साथ। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके पास विंडो 7 है तो आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सर्च बार मिल जाएगा, या तो नीचे सर्च बार मिलेगा या ऊपर मिलेगा। ठीक है, अगर विंडो 10 है तब भी आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपको सर्च बार मिल जाएगा। तो मेरे पास विंडो 11 है तो मैं यहाँ पर विंडो बटन पे क्लिक करूँगा, यानी कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा, और करने के बाद मेरे को यहाँ पर देखिए ऊपर सर्च बार मिल गया। अब सर्च बार में आपको टाइप करना है SNI स्निपिंग टूल। ठीक है दोस्तों, जैसे आप स्निपिंग टूल लिखोगे, जैसे SNI लिखोगे तो आपके सामने ये स्निपिंग टूल आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ये टूल ओपन हो गया है, और अब आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हो। तो हमारे को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो इस कैमरे वाले बटन पर जो है आपका ये आपका सिलेक्ट होना चाहिए, और आपको यहाँ पर क्या करना है देखिए, इस जो प्लस का आइकॉन है न्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है उसको आपको यहाँ पर अपने माउस की राइट की से सिलेक्ट करना है और उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही छोड़ोगे आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको ये स्क्रीनशॉट आपको कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे आपने ये जो स्क्रीनशॉट लिए हैं ये आपको आपके कंप्यूटर के अंदर मिलेंगे। देखिए आपको यहाँ पर दिस पीसी पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में एक बटन दिखाई देगा पिक्चर का। ठीक है दोस्तों, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट और पिक्चर। ठीक है दोस्तों, जो ये आपका जो हार्ड डिस्क वगैरह है ना वो अलग रह गई है। ठीक है, आपको राइट साइड में एक ये बटन दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर मिलेगा। देखिए पहले तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और जो इसका पाथ है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए आपको सी में जाना है, सी के बाद यूज़र में जाना है, यूज़र के बाद जो आपने पीसी का जो अकाउंट बनाया हुआ है उसके अंदर जाना है, फिर आपको ओपन ड्राइव मिलेगा, फिर पिक्चर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जा सकते हो। अगर आपके सामने यहाँ पर पिक्चर का बटन आ रहा है तो आपको यहाँ पर पिक्चर वाले बटन पर क्लिक करना है और स्क्रीनशॉट में यहाँ पर आपको आ जाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारे पास जितने भी स्क्रीनशॉट हैं ये हमारे आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमने गूगल का लिया था, ठीक है, उससे पहले लंबे गूगल का लिया था, उससे पहले हमने एक अपने डिस्प्ले का पूरा स्क्रीनशॉट लिया था, और ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम हमारे लैपटॉप यानी कि कंप्यूटर के अंदर आसानी से शॉर्ट की मदद से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही हम हमारे कंप्यूटर के अंदर जो
विंडो की तरफ से यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक टूल दिया जाता है स्नैपिंग टूल, उसकी मदद से आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।